अस्सलामुअलैकुम, मैं रीमा सादिया आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ अपने यूट्यूब चैनल क्वींस फूड पर। तो आज की हमारी रेसिपी है फजीता चिकन रैप्स, जो कि आजकल बहुत मशहूर भी हो रहे हैं और लोग खाने में इनको पसंद भी बहुत ज्यादा करते हैं। मेरे घर में मेरे बच्चे काफी इसको पसंद करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। तो चलिए अब हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। तो ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं। 3 अदद कप हमने मैदा लिया है, उसमें जाएगा 3 चम्मच ऑयल के, और कुनकुना सा पानी हल्का गरम, और इसमें जाएगा 1/4 चम्मच छोटा चम्मच उसका बेकिंग पाउडर का, ठीक है। और जो हमारे चिकन के मैरिनेशन में जाएगा 1/2 किलो हमने यहाँ चिकन लिया है, इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, और 4 बड़े चम्मच जाएंगे इसमें लेमन जूस, ओरिगानो का 1/2 चम्मच, 1/2 छोटा चाय का चम्मच जाएगा, 1/2 छोटा चाय का चम्मच जीरा कुटा हुआ, 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच इसमें जाएगा कुटी हुई लाल मिर्च, और 1 चम्मच नमक। तो अब हम अपने चिकन को मैरिनेट करके रखते हैं। और ये हमारे रैप के लिए स्पेशल वो जो सैलड सा बनाता है खट्टा मीठा सा, इसमें हमने गाजर ली है, अपना प्याज लिया है, और साथ में खीरा लिया है जो कि हमने विनेगर में इसको भिगो के रख लिया है। तो इसलिए इसमें थोड़ी सी मैंने चीनी भी ऐड की है, इससे खट्टे मीठे इसका टेस्ट आएगा। तो चलिए अब हम अपनी आप चिकन को मैरिनेट करके रखते हैं। हमने अपने चिकन को मैरिनेट करना है 15 से 20 मिनट के लिए। वैसे अगर इसको 1/2 घंटा रखा जाए तो इसका ज्यादा अच्छा जायका बनता है। अगर बहुत जल्दी है, भूख बहुत ज्यादा लगी है, तो आप इसको 15 मिनट बाद बनाना शुरू कर दें। चलिए इसको मैरिनेट करने के बाद हम अपना आटा गूंदेंगे। ये चला गया हमारा चिकन, ठीक है। अब इसमें चला जाएगा ये हमारा कुटा हुआ लहसुन, ये हमारे तमाम मसाला जा जाएंगे इसमें, ये चले, ये सारे मसाले हमारे चलेंगे इसमें, और ये जाएगा इसमें लेमन जूस। अब हम इसको मैरिनेट करके अच्छी तरह से 20 मिनट के लिए इसको हम छोड़ देंगे, ताकि इसमें सारे मसाले अच्छी तरह से रच बस जाएं, और ये मजेदार सा हमारा फिर चिकन फजीता रैप के लिए तैयार हो जाएगा। तो हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देते हैं साइड पे। ये बन गया। अब हम अपना आटा गूंदना स्टार्ट करते हैं। इसमें जाएगा 1/2 चम्मच छोटा चाय का नमक, और इसमें जाएगा ये छोटा चम्मच 1/4 चम्मच जाएगा इसमें बेकिंग पाउडर। अच्छा जी, अब हम इसमें डालेंगे हमारा ऑयल, ये हमारा 3 बड़े चम्मच ऑयल है, ठीक है। अब इसको हम गूंदना शुरू करते हैं। चलिए जी, बिस्मिल्लाह पढ़ लें। पहले हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें सारे को, फिर ये हमने पानी रखा हुआ है, कुनकुना सा है हल्का गर्म पानी, इससे हम फिर इसको गूंदते हैं। ये अच्छी तरह से इसको ऐसे मिक्स कर लें पहले, नमक ऑयल और बेकिंग पाउडर को। ये है मैदे की असल में रोटी है, जिसको रैप किया जा रहा है आजकल, इसको टोर्टिला भी बोला जाता है। चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, पानी थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे, उसको मिक्स करते जाएंगे। ये हमारा आटा गूंद गया। अब इसको हम थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसको 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। चलिए फिर हम इसको रखते हैं। अब हमने आटा गूंद के रख दिया है। अब हम अपना चिकन को पकाना शुरू करते हैं। ये हमने 2 चम्मच पैन में डाल के गरम कर लिए। अब हम इसमें चिकन डालते हैं। बिस्मिल्लाह, क्या मजेदार सिजलिंग की आवाज। हाँ, ये तो मैं आपको बताना भूल गई थी, इसको आप इसका लंबा लंबा काट लें। ये देखें,
देखें वो जो होटल में बनाते हैं वो बड़े मजे के लगते हैं जब उसे ऐसे ऐसे करके करते हैं, समझे नहीं हो रहा है। देखिए माशाल्लाह ये कितना अच्छा खूबसूरत सा हमारा चिकन फजीता तैयार हो चुका है। चलिए हम इसको प्लेट में निकालते हैं। हमारा आटा भी ठहर चुका है, इसको भी 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम अपनी रोटियां भी पकानी शुरू करते हैं, रैप यानी कि टॉर्टिला को शुरू। 20 मिनट मुकम्मल हो चुके हैं, अब हम इसके पेड़े बनाते हैं और अपनी रोटियां बना लेते हैं। ये इसको पेड़े बना के रख लेते हैं, तो इसको बेल के बनाते हैं। ये हम अब रोटी बेल के इसके ऊपर डालते हैं अच्छी तरह से। ये गोल गोल रोटी टॉर्टिला ये तैयार है। ये पतली सी हो गई है, अब हम इसको तेल में डालते हैं। चलिए ये गई तवे पे, ये देखिए इधर से हो रही है, फिर हम इसको पलटते हैं। देखिए फूल रही है और लो जी आलो जी फोन है जी फोन फूलेगी। ये देखिए ये आपकी रोटी तैयार हो रही है। हमारे बुजुर्ग कहते थे रोटी बहुत फुले थे सिर बड़ी भुख लगी होती है। उधर से भी थोड़ा सा इसको अच्छी तरह से सेंक लेते हैं। चले ये देखें ठीक है, अब हम इसको रैप करते हैं। अब हम अपने रैप के लिए सॉस तैयार करते हैं। ये हमने लिया है आधा कप मेयोनीज, इसमें जाएगा 3 बड़े चम्मच केचप के और ये चाय का 1/4 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च जाएगी हसबे जायका जितनी आपको पसंद है, आधा नींबू जाएगा और हसबे जायका नमक क्योंकि हमारी मैओ में नमक होती है। चलिए हम अब इसको मिक्स करते हैं। ये 3 चम्मच इसमें केचप के, ये केचप हमारी घर की बनी हुई है बाजार की नहीं है। इंशाल्लाह हम आपको इसकी भी रेसिपी सिखाएंगे। अब इसमें जाएगा काली मिर्च जाएगी थोड़ी सी, जाएगा अब इसमें थोड़ा सा नमक और 1 लेमन, ये चलो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारी तैयार हो गई इसकी सॉस। चलो हम अपनी रोटी को रैप करते हैं। सबसे पहले इसके हम इस यहाँ पर लगाएंगे कट, ये देखें कट लग गया अच्छे से लगाएं, ये कट लग गया। अब सबसे पहले हम अपनी सॉस लगाएंगे एक साइड पर, यहाँ से अच्छे से जितनी आपका सॉस पसंद है उतनी लगाएं, भर भर के लगाएं। ये सॉस लग गई, उसके बाद हम अपना ये चिकन रखेंगे, चिकन फजीता मजेदार मजेदार, मुंह में पानी आ रहा है। चलिए ये हो गया और इसके बाद ये हमने अपनी जो रखी हुई थी गाजरें खीरा और उसमें विनेगर में प्याज के साथ ये हम अब रखते हैं। ये जाएगा यहाँ, उसमें मैंने चीनी भी डाली है थोड़ी सी विनेगर, तो ये खट्टा मीठा सा फिर टेस्ट देते हैं, बड़े मजे के लगते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें आप कैप्सिकम भी यूज कर सकते हैं ओलैदा से। अब हम इसमें रखेंगे चीज, ये चलिए ये हो गया, अब हम इसको रैप करते हैं। ये इधर से इस तरफ, ये फिर ये चीज की तरफ आ जाए। अब हमारा ये पैन जो है ग्रिल पैन गर्म हो चुका है, अब हम इसको थोड़ा सा इसके ऊपर ग्रिल के वो
कर देते हैं, अच्छा लगेगा फिर देखना। पैन गरम हो चुका है, अब हम इसके ऊपर रखेंगे तो ये इस पे ये ग्रिल के निशान आ जाएंगे, ये हमारा ग्रिल हो जाएगा। अच्छे से मैं थोड़ा सा ऑयल भी लगा लें, ये देखें आ गए, ये देखें, ठीक है अब इधर से भी आ जाएंगे और ये हमारी जो चीज है इसमें वो भी मेल्ट हो जाएगी और ये खाने में फिर बड़ी मजे की लगेगी। ये देखिए हमारा ये तैयार हो चुका है, ये दोनों तरफ से, ये देखिए इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। तो ये हमारी रैप्स की फाइनल लुक, देखें कितने अच्छे लग रहे हैं और खाने में बड़े मजेदार होंगे। तो अगर आपको हमारी आज की डिश पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, उसे जरूर बजाएं। तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। खुदा हाफिज़।